अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो आज ईद का दिन है। सुबह मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ईद की मुबारक दी थी, और इस व्लॉग में आपको फिर दोबारा से ईद मुबारक। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप मेरी ईद मुबारक जो है कबूल कीजिएगा। और अभी शाम का टाइम है, यही कोई 3:30 बजे, और मैं आई हूँ बाहर क्योंकि बाहर काफ़ी प्यारा मौसम बना हुआ है। सुबह भी मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पे थोड़ी आंधी तूफान भी आया है, लेकिन ये है कि अब धूप निकल आई है, कुछ मौसम ठीक हो गया, लेकिन हवा वैसे ही चल रही है। बहुत ही प्यारी हवा, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, अब ये दूसरी साइड की ज़मीन है। आप कहेंगे कि पता नहीं किस जगह पर आई करी, ये जगह आपने पहले ही देखी। तो ये जगह है, यहाँ पर हमारे चाचू जी का घर बन रहा है जो सऊदी अरब में है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर भराई करवाई है मिट्टी से, घर शायद ईद के बाद शुरू हो जाए। वैसे उनकी ईंटें वगैरह आ गई हैं, लेकिन अभी घर कब शुरू करवाते हैं इसका कोई पता नहीं है। तो ये वही जगह है जहाँ पे उनका घर बन रहा है। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है, वो हमारा घर है और ये उसके सामने है। हानिया भी मेरे साथ है। हानिया सुबह व्लॉग में सो रही थी, इसे मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, बस ऐसे ही दिखाया था, सोती हुई को दिखाया था बेचारी को। तो अभी आप दिल भर के इसे देख लें। वैसे सुबह के टाइम ये बहुत क्यूट लग रही थी, जब मैंने इसे रेडी किया था तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, न्यू न्यू रेडी हुई थी। अब थोड़ी सी जिंदी बन गई है, मुंह काला कर लिया है खेल खेल के मिट्टी में, और बाल बाल खराब कर लिए, ड्रेस भी मेला कर लिया, देखो अब मिट्टी में खेल रही है। बस ये जब से उठी है ऐसे खेलने में लगी है, कभी अपनी इसमें है उसके साथ खेल रही थी, और अब मैं इसे यहाँ पे ले आई हूँ तो यहाँ पे मिट्टी में शुरू होगी। बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, उनका ये काम होता है। अब शाम में फिर दोबारा तैयार होगी इसकी, फिर बच्चों की ईद बहुत अच्छी होती है। ईद वैसे भी उनके घर भी बहुत अच्छा होता है, जब देखो कपड़े मैले करते हैं और तैयार हो जाते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैंने दे दी थी दादी जान को ईद मुबारक, सुबह के व्लॉग में मैंने उन्हें नहीं दी। वैसे घर में मैं उनसे मिली हूँ, लेकिन एक व्लॉग में मैं दोबारा से आप लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। सुबह के टाइम जब मैंने व्लॉग बनाया था तो वो सो रहे थे, दादाजी तो रोज़े रख रख के थक गए, और लेकिन दादी मेरी बीमार रहती हैं इसीलिए वो दोनों आराम कर रहे थे। तो अभी चलते हैं वहीं और जाके देखते हैं प्रीत दादी से कि सवेरे भी ठीक है या नहीं। थोड़ी देर पहले मेरे घर आई थी, उस वक्त आई थी कि पहले से कुछ आराम है। तो अभी उनके घर चलते हैं और जाके उन्हें ईद मुबारक देते हैं, उनसे उनका हाल पूछते हैं। खाने चले कितनी दिया देखो, हजार रुपया है, ये हजार रुपया है। हाँ जी, आज तो मौजें लग गई आपकी। हाँ जी, हाँ ये हानि की थी। दादा जिन्हें दिया है, दादा हानिया कोई भी दे रहे हो, हानिया उनके पास नहीं जा रही है। मेरे पास हानि नहीं हो। हाँ नहीं आ रही आपके पास, पता नहीं हम मेरे पास डरती आये हो। डरती गाड़ी वाला कौन है? वो दादाजी पर जाती रही है, दाढ़ी से डरती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक दादाजी बैठे हैं, मैं तो अंदर आई थी, मैंने कहा शायद दादाजी भी नहीं होंगी, लेकिन आई तो पता चला कि वो यहाँ नहीं है। वो साथ में पड़ोसी के घर गई हुई है ईद मिलने, तो शाम तक हो सकता है आ जाए 5-6 बजे तक। फिलहाल तो शाम में मिल लेंगे। अभी दादाजी को ईद मुबारक दिया, उनसे हानिया की ईदी ली है, हानिया तो उनसे मिल भी नहीं। तो अब बारी है ईदी देने की, मेरी ईदी वगैरह तो होगी है, मैंने जिससे ले ली है। अब बारी है हानिया की ईदी की, हानिया को उसके पापा तो ईदी देंगे ही देंगे, लेकिन मैं भी उसे दूंगी। ये पैसे लेके आई हूँ हानिया से। हानिया को सुबह से ईदियाँ मिल रही हैं, कभी अपने दादा से, कभी अपनी फूफो से, कभी अपने चाचू से, अब मेरी भी बारी है। हानिया ये आपकी ईदी है, एक क्या है ईदी है, अब इसे कहाँ रखोगी? यहीं रखोगी ना, पर्स में रखना, मुझे नहीं दोगी? वो नहीं देगी अपनी मम्मा को। ईदी उसकी है तो उसने अपने पर्स में रख ली, देखे रख रही है, पर्स में छुपा लिया रख ले। इससे पहले भी इसके चाचू ने इसे जो ईदी दी थी वो इसने अपने पर्स में ऐसे करके रख लिया। कितनी होगी इसके पास? वो दिखाएगी नहीं ना। तेरे 10 रुपए ये।
100 ये है, 110 रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? ये देखे, ये अपना पर्स भी अपने यहाँ लटका लिए कंधे पे, गले में लटका लिए। अच्छा ये दो, हाँ। दो 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 मुझे दो, ठीक है। तो हानिया तो अपनी ईद लेके बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। अब आगे हानिया की दोस्त, ये भी बच्ची है, इसका भी ईदी का हक बनता है। तो मैंने फिरोज से और पैसे लिए क्योंकि मेरे पास इस वक्त खुले अवेलेबल नहीं है। वो क्या है ना कि मैं तो वैसे भी घर में होती हूँ, मेरे पास नहीं खुले कहाँ से। फिरोज को मैंने सुबह कहा था कि मेरे पास खुले ले आना मेरे लिए, मैं बच्चों को, क्योंकि जो बच्चा घर आ जाए उसे ईदी देनी होती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे खुले करवा के दे दिए हैं। वो आज दोपहर में ले आए थे। तो ये है इसकी ईदी, हाँ भी सुना। तो ये ईदी तो वैसे बच्चों की होती है, तो बच्चे ईदी लेके बहुत ही खुश होते हैं। हानिया जैसे खुश हो रही है अब इसमें, ये भी खुश हो रही है। हम भी छोटे होते थे तो हम भी ऐसी बड़ों से ईदी लेते थे और खुश होते थे बहुत ज़्यादा। बेशक वो प्यार से 10 रुपये भी देते थे, उस वक्त तो 10 रुपये का ज़माना था, छोटे हम लोग होते थे वो 10 रुपये दे देते थे, हाँ ये 10 रुपये या 20 रुपये, हम खुश हो जाते थे। तो यही बच्चों के दिन होते हैं, ईद का दिन तो खास कर बच्चों का दिन है, वो ईदी लेते हैं बड़ों से और उस पैसों को अपनी चीज़ें खाते हैं। शाम का टाइम है और 7 बज रहे हैं और काफ़ी भूख लगी थी, सारा दिन इधर उधर फिरना, ब्लॉग बनाना, काम करना। कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है तुम्हें? कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी क्योंकि दोपहर में मैंने रोटी खाई थी जब मैंने खाना बनाया था, तो अभी मैंने ऐसे ही खाने के लिए छोले बनाए, मैंने कहा रोटी तो वही होगी, चना चाट मैंने बनाया था, मैं भी साथ में खा रहा हूँ। तो अभी मैंने बनाई है चना चाट, मैंने कहा कुछ चेंज हो जाए, डिफरेंट, रोटी सालन खा के मैं थक गई हूँ। दोपहर में मैंने रोटी सालन खाया था, सुबह सेवैया खाई थी बस, और अब चना चाट खा रही हूँ। तो आज की स्पेशल डिश मैंने यही बनाई है, बाकी कल की जो स्पेशल डिश होंगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी और ये खा लूँ। फिर इसके बाद मैंने एक मेन चीज़ है वो ये है कि आज मैंने अपनी ईदी गिननी है कि सारा दिन में मैंने कितनी ईदी इकट्ठी की, तो वो भी गिनते हैं, लेकिन ये खा लूँ पहले बाद में। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों की जो ईद है वो किस तरह कैसी गुजर रही है और किस किस को अच्छी ईदी मिल रही है। ये खाना वाना खा लिया है और मेरा पेट बिल्कुल फूल है, तो अभी आराम से सुकून से मैं अभी ईदी आप लोगों को गिनवाती हूँ क्योंकि अब टाइम आ चुका है ईदी गिनने का, सारा दिन में मैंने कितनी ईदी ली है। तो ये है मेरी ईदी जो कि आज सारा दिन में मुझे वसूल हुई है। अभी इसे गिनते हैं और आपको भी बताते हैं कि कितनी ईदी ली है। ये वैसे जो जो देता गया तो मैंने ऐसे करके बस रख दी गई थी रास में, अब निकाल के लाएंगे। ये एक, ये दी थी मुझे फिरोज ने एक, और दूसरी दी थी मुझे दादा अबू ने, मतलब मुझे भी दी थी और हानि को भी दी थी, इकट्ठे दी थी हम दोनों की। और ये तीसरी दी थी अबू जी ने। और बाकी ये वाले जो पैसे हैं ये हानिया के, हानिया को हानिया के चाचू ने दिए थे, और ये उसके छोटे से चाचू ने दिए थे जो हमारे चाचू का बेटा है उन्होंने। तो ये सारी ईदी बनती है कुल टोटल देखें आप 3110, लेकिन ये सिर्फ मेरी नहीं है, हानिया और मेरी इकट्ठे हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी है बहुत ही है, ज़्यादा है। और आज मैंने 2 व्लॉग बनाए हैं, एक तो सुबह में ही अपलोड कर दिया था, 1-2 बजे के टाइम में बनाया, तो बिल्कुल सुबह था, और उस पर जो है आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने आज तक कभी एक दिन में 2 व्लॉग बनाए नहीं है, पहली बार बनाए क्योंकि ईद का दिन था, मैंने कहा चलो आज कोई अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, तो इसीलिए एक सुबह में कर दी और एक अभी आपको ही बनाई है। और अगर मेरा आज का सेकंड ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरे ईद के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।